चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक जेसीबी ड्राइवर की लापरवाही से चंद्रायन गुट्टा परिवार टाउनशिप में वॉचमैन की हैसियत से काम करने वाले एक शख्स हुए शदीद तौर पर जख्मी। तफसीलात के मुताबिक परिवार टाउनशिप से मुतसिल एक रेत का गोडाउन है जहां पर जेसीबी की जानिब से रेत उठाई जा रही थी। इसी असना में जेसीबी ड्राइवर की लापरवाही से एक दीवार गिर पड़ी। दीवार की दूसरी जानिब 45 साल मोहम्मद रफी नामी सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इसी असना में ये दीवार उन पर गिरने से मोहम्मद रफी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस वाक़े में मोहम्मद रफी के दोनों पैर और एक हाथ भी टूट जाने की इत्तला मिल रही है। फौरी तौर पर वहां पर मौजूद मुकामियों ने जख्मी रफी को अवेसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां पर वो जेर इलाज है। इत्तला के साथ ही चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। मुतासरा के लवाखिन का इल्ज़ाम है कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या गरीब की जान की कोई अहमियत नहीं होती? कानून सभी के लिए मसावी है और सभी के लिए बराबर का इंसाफ होना चाहिए। चंद्रायन गुट्टा पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले में मुकम्मल ईमानदारी से गैर जानिबदाराना फैसला करते हुए मुतासरीन की मदद करे और गुनाहगारों को सजा दिलवाए। Gracias.